ऊना बस स्टैंड पर मियां बीबी की फाइट को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मारपीट के दौरान दंपति सहित कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की शर्ट तक फट गई। बस स्टैंड में हंगामा होता देख यात्रियों का हुजूम एकत्रित हो गया। बस स्टैंड के बाहर तैनात पुलिस जवानों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। जानकारी के मुताबिक नीरू देवी निवासी कुठेड़ा जसवाला की शादी 10 साल पहले राजेश निवासी अम्बोवा के साथ हुई थी। शादी के 7 वर्ष बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मामला तलाक के लिए कोर्ट तक पहुंच गया। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद बस स्टैंड ऊना पहुंचने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट होता देख जहां नीरू के जीजा ने बीच बचाव किया तो वहीं राजेश के पिता ने भी बीच बचाव किया, लेकिन दोनों पक्षों में हो रही मारपीट में दंपति सहित 4 घायल हो गए। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक वर्मा ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और मामले को शांत करवा दिया गया था। मेरी आज केस मेडिएशन वास्ते तरीक पाई थी, फिर उठा वो हाजिर नहीं होया, हुन बाहर निकलिया सी इत्था ए तो उन्हें मेनू चपेड़ मार कुटिया, मेनू पहले धमकी दे के आया। जनानी घर आली है मेरी जे जेड़ी कहंदी है इन मेरे पिछे चपेड़ मारी है, मैं जिस तरह इन्हें इत्थों इदां फड़िया चपेड़ मारन लगा, इहदे नाल जेड़े दो मुंडे आए हुए है इन्हां ने मारिया, बुजुर्ग ने देखो आ कीता होया, आ मेरे कपड़े फाड़े, आ मेरा खून कीता होया, फिर चश्मा तोड़ता, 82 साल उम्र है, ਘਰ ਚ ਬਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਸਤਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨਾ ਸੇ ਸੋਹਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਚੌਹਾਨ।